नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने में फंगस से लगने वाले बीमारी और रोग के नियंत्रण के बारे में और किस रसायन का प्रयोग करेंगे जिससे कि फंगस का नियंत्रण पूर्ण रूप से हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर करें जिससे यह जानकारी उन लोगों को पूर्ण रूप से मिल पाए। बात करते हैं गन्ने में शुरुआती दौर में हमें कौन से फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। शुरुआती दौर के लिए कार्बेंडाजिम 12% और मैनेकोजेब 63% का प्रयोग हमें घोल के बनाकर अपनी फसल में छिड़काव करना है। अगर ज्यादा फंगस का अटैक हमारी फसल पर हो जाता है तो उसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 से 700 ग्राम दोनों का घोल बनाकर एक साथ छिड़काव करना है। दोनों का छिड़काव एक साथ इसलिए करना है क्योंकि इसका दोनों का एक साथ प्रयोग करने से रिजल्ट इसका बेहतर देखने को मिलता है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। और असर लंबे समय तक होने के कारण हमारी फसल में जो नया फंगस पनपता है वह भी साथ ही साथ इसके संपर्क में आने से नष्ट होता रहता है और हमारी फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इन रासायनिकों का प्रयोग हम अपनी फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में करते हैं। इन कुछ रासायनिकों का प्रयोग करके हम अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी फसल में लगने वाले फंगस को भी खत्म कर सकते हैं और गन्ने को सूखने से बचा सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को मैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।